सीतापुर में आँख अस्पताल सीतापुर के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन आज दिनांक 12 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ग्राम पिपरिया गंगा में किया गया, जिसमें कार्यक्रम आयोजक कुलदीप सिंह, समाज सेवी एवं कश्मीर सिंह उर्फ बिट्टू भैया, जिला पंचायत सदस्य मुड़ा सवारन, रेखा सक्सेना, समाज सेवी सोनेलाल, ग्राम पंचायत पिपरिया, ग्राम गंगा प्रधान राधेश्याम वहाँ पर उपस्थित रहे। वहीं सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा वहाँ पर उपस्थित टीम व डॉक्टर शिवांगी ऑटोमेस्टिक ऑप्टोमेटिक मोहित वर्मन, फैजल खान मोहिनी कैंप ऑर्गेनाइज, शहनवाज अहमद काउंसलर, विजेंद्र सिंह बीपी शुगर दिवाकर मिश्रा एवं राजकुमार महिमा दीक्षित वहाँ पर सीतापुर की समस्त टीम उपस्थित रही, जिसमें मरीजों का मोतियाबिंद नेत्र परीक्षण किया गया। ऑपरेशन वाले मरीजों को अपने निजी वाहन सीतापुर आँख अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज कर रहे स्थान पहुँचाने की व्यवस्था सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा निःशुल्क की जा रही है, जिसमें हमारे सेवी कुलदीप सिंह, कश्मीर सिंह और बिट्टू भैया जिला पंचायत सदस्य द्वारा पूरे क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वह आए दिन समाज क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी टीम का आयोजन उनके व उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल से तहसील प्रभारी अनमोल अवस्थी, जैसा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी ब्लॉक बिजवा के ग्राम पिपरिया गंगा में, यहाँ पे जो सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है निःशुल्क, जिसमें जो है यहाँ पे कुछ हमारे मुख्य डॉक्टर साहब जी मौजूद हैं, जैसे कि डॉक्टर शिवांगी और ऑटोमेट्रिक मोहित वर्मा जी, जिनके द्वारा हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो कैंप का आयोजन किया गया है सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा, यहाँ पे ये लोग मरीजों को देखते हैं, उसके बाद इन मरीजों को देखने के बाद जो गंभीर मरीज होते हैं जैसे कि मोतियाबिंद वगैरह, इनको जो है अपने वाहन से ले जा करके और घर भीतर उनको वहाँ उनकी इलाज करवाने के बाद और घर भीतर भेजने की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं निःशुल्क। और जैसा कि इसका आयोजक कर रहे हैं कुलदीप सिंह, समाज सेवी द्वारा जानकारी मिल रही है, जिनका ये हर साल हर जगह आयोजन किया जा रहा है इनका, और बराबर इस क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में ये जो है कार्य कर रहे हैं। जी मैम, मैं कुछ जानकारी चाहूँगा आपसे। मैं टीवी वन इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से तहसील प्रभारी अनमोल अवस्थी, और मैं ये जानना चाहूँगा जो आपके आयोजन किया जा रहा है शिविर का सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा, जैसा कि हमारे सुनने में आ रहा है, तो मैं पहले चाहूँगा आपका इंट्रोडक्शन, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शिवानी दीक्षित है। जी जी, तो ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें क्या भूमिका आप निभा रही हैं सीतापुर अस्पताल के द्वारा? यहाँ से मोतियाबिंद के मरीज ले जाते हैं, जी शुरू वहाँ पे ऑपरेशन होता है, वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा, उसके अगले दिन बस से वापस इनको अपनी जगह भेज दिया जाएगा। जी, ना ही केवल यहाँ मोतियाबिंद के मरीज ले जाते हैं, हम लोग जितने भी गंभीर मरीज होते हैं उनको जो इलाज होता है यहाँ शुरू कर देते हैं, फिर अपने अस्पताल बुलवाते हैं, वहाँ पे इलाज करवा लेते हैं। जी जी, धन्यवाद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनमोल अवस्थी की रिपोर्ट सीतापुर। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजवा के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम पिपरिया गंगा के मां अष्टभुजी दुर्गा मंदिर पर नवरात्रि विसर्जन के शुभ अवसर पर कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी कन्याओं को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद भोज कराया गया और प्रसाद ग्रहण किया गया, जिसमें सेवा में रहे पुजारी श्री राम प्रसाद अवस्थी और लुकमान रजा और अनमोल अवस्थी वहाँ पर उपस्थित रहे। वही समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों ने हर वर्ष की भांति प्रसाद ग्रहण कर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जनपद गोंडा के तरबगंज तहसील अंतर्गत विकासखंड नवाबगंज की कटरा लकड़ मंडी चौराहे पर थाना नवाबगंज थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह सियोर, तरबगंज एवं लकड़ मंडी पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर अयोध्या में राम जन्मोत्सव मेले की वजह से भारी भीड़ एवं अयोध्या की संवेदनशीलता को देखकर वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया। वहीं वाहनों को मार्ग डाइवर्ट कर गोरखपुर अयोध्या हाईवे पर वाहनों को जाने की अनुमति प्रदान की। वहीं मेले की वजह से कटरा अयोध्या मार्ग पर सिर्फ पैदल राहगीरों को ही अंदर जाने की अनुमति पुलिस प्रशासन ने दी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव के साथ विपिन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। जनपद लखीमपुर खीरी में नगर पालिका गोला द्वारा ऐतिहासिक चैती मेला उद्घाटन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि डीएम शैलेंद्र सिंह ने मेले में लगी दुकानों का जायजा लिया और चैती मेला का फीता काट कर उद्घाटन किया व दीप जलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर गोला SDM एवं सुधाकर CO अभिषेक प्रताप, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल, RR अम्बेश, अधिशासी अभियंता, तहसीलदार विपिन कुमार, SO भानु प्रताप सिंह, SI विनोद कुमार, काशी विश्वनाथ तिवारी, जमाल अहमद रईस आदि सभासदगण मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर।
जनपद महोबा में निकाली राम भक्तों ने बाइक शोभा यात्रा। सुबह से राम भक्त गुजरे शहर के विभिन्न स्थानों से, 1 बजे से निकाली जाएगी भगवान राम की शोभा यात्रा। वहीं लाखों राम भक्त शोभा यात्रा में लेंगे हिस्सा। वही शोभा यात्रा नवीन गल्ला मंडी से प्रारंभ होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए डाक बंगला मैदान में समाप्त होगी। जगह जगह पर राम भक्तों के स्वागत द्वार और नाश्ता पानी का भी प्रबंध किया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी के साथ रमन दीक्षित की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड।